His divine grace Abhay Charanarabinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada सभी प्रभुपाद ने बोला था कि सभी स्पिरिचुअल क्लास के पहले हरे कृष्ण महामंत्र से शुरू करना चाहिए और एंडिंग भी हरे कृष्ण महामंत्र से होना चाहिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है श्रील प्रभुपाद, और इसलिए ये जो इसको आंदोलन है ये, इसको हरे कृष्ण आंदोलन भी इसको कहा जाता है। और पृथ्वी में भगवान का ये जो नाम हरे कृष्ण महामंत्र, इसी का प्रचार किया है श्रील प्रभुपाद। तो देखते हम लोग देखते हैं कि दूसरा बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें हम लोग देखते हैं कई सारा गुरु, दे फोकस ऑन देयर ओन नेम, बट प्रभुपाद फोकस्ड ऑन कृष्णस नेम। तो जो श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन का नाम रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य बोला कि आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं रख के इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस रख दीजिए। श्रील प्रभुपाद बोला नहीं, आई वॉन्ट टू स्प्रेड कृष्णा नेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हु इज गॉड? कृष्णा इज गॉड। आई वॉन्ट टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस दैट कृष्णा इज गॉड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज वाई आई एम वेरी determined to keep the name of the society as International Society for Krishna Consciousness, ISKCON. So, जगन्नाथ रथ यात्रा भी सिर्फ पुरी में होता था, पूरा दुनिया में सिर्फ पुरी में लाखों का संख्या में लोग आते थे, अभी भी आता है, और सिर्फ पुरी में ही होता था जगन्नाथ रथ यात्रा। पूरा दुनिया में श्रील प्रभुपाद जी का आने से पहले नहीं होता था। लेकिन श्रील प्रभुपाद भगवान जगन्नाथ को पूरा दुनिया में लेके आया, दुनिया का सबसे प्रमुख शहरों में भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा इस्कॉन का माध्यम से ऑर्गेनाइज किया। लंदन रथ यात्रा, जब लंदन रथ यात्रा हुआ तब पेपर में आया था, वहाँ का पेपर में आया था, कृष्ण कॉन्शियसनेस स्टार्टल्स लंदन। दैट मीन्स ये कृष्ण भावनामृत लंदन को हिला दिया है, स्टार्टल्स लंदन। तो सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा किया, लॉस एंजेलिस, पेरिस, इन ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज रथ यात्रा, एंड इन कोलकाता ऑल्सो फर्स्ट टाइम श्रील प्रभुपाद ऑर्गेनाइज रथ यात्रा इन 1971, कोलकाता रथ यात्रा। एंड टुडे इज 2021, सो दिस इज द 50th रथ यात्रा ऑफ कोलकाता, इस्कॉन विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इस्कॉन कोलकाता। सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ईयर फॉर इस्कॉन इन कोलकाता, बिकॉज This marks the golden jubilee of Rath Yatra. So, Srila Prabhupada wanted that this Kolkata Rath Yatra should be like Jagannath Puri Rath Yatra. And this Rath Yatra used to happen in a very grand scale in Kolkata before the coronavirus. Last 2 years back, 2019,
it happened in grand scale. Lakhs of people come in the streets. जगन्नाथ का रथ को खींचने के लिए आता है सब सब लोग. Without, you know, they don't see what religion they are in. Hindu, Muslim, Christian, सब लोग भगवान जगन्नाथ का रथ को खींचने के लिए, रस्सी को टानने के लिए एकदम उत्साही रहता है. और भगवान कहाँ पे जा रहा है रथ यात्रा के टाइम? भगवान कहाँ पे जा रहा है? भगवान कृष्णा वृंदावन में जा रहा है रथ यात्रा के टाइम पे. तो गुंडीचा मंदिर जहाँ पे पुरी में, पुरी का मंदिर से निकल के भगवान का रथ, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जाता है गुंडीचा मंदिर में. गुंडीचा मंदिर क्या है? जो गुंडीचा मंदिर है ये वृंदावन से अभिन्न है. और ये जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो द्वारका से अभिन्न है. भगवान कृष्ण जब द्वारका में था तो वो राजा था, राज वेश में था. तो जगन्नाथपुरी द टेम्पल इज द्वारका धाम. वही जगन्नाथपुरी में जब रथ में सवार होके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और सुदर्शन चक्र जब जाता है ये गुंडीचा मंदिर में, तो वो है सुंदराचल. सुंदराचल मतलब वो है वृंदावन धाम. तो भगवान कृष्ण द्वारका धाम से जा रहा है वृंदावन धाम. यही रथ यात्रा है भगवान का. वृंदावन, वृंदावन धाम है भगवान का घर. कृष्णा इन हिज ओरिजिनल फॉर्म इज रिसाइडिंग एटर्नली इन गोलोक वृंदावन. दिस इज द ओरिजिनल होम ऑफ कृष्णा, श्याम सुंदर कृष्णा, यशोदा नंदन कृष्णा, ऑल द ब्रजवासीज, दे फेल्ट ग्रेट सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा व्हेन कृष्णा वेंट अवे फ्रॉम वृंदावन धाम. कृष्ण से इतना अटैच्ड था सभी ब्रजवासी, गोपीज ऑफ वृंदावन, वृंदावन के गोपी, कृष्ण के जो फ्रेंड्स है, ग्वाल बाल है, काउहर्ड बॉयज, दे वर सो अटैच्ड विथ कृष्ण. कृष्णाज एल्डरली दोज एल्डरली पीपल ऑफ वृंदावन, दे ट्रीटेड कृष्ण एज देयर सन. नंद महाराज, यशोदा माँ और वृंदावन के जो एल्डरली लोग थे वो कृष्ण को अपना पुत्र मानता था सब लोग. दे आर वेरी अटैच्ड विथ कृष्ण एंड दैट इज द एक्चुअली द गोल ऑफ द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू डेवलप अटैचमेंट टू कृष्ण. अटैचमेंट टू कृष्ण इज नॉट दैट चीप थिंग. ये इतना आसान चीज नहीं है. हम लोग बहुत ज्यादा अटैच्ड है. हम लोगों का सेंस ग्रेटिफिकेशन के तरफ. व्हाट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन? सेंस ग्रेटिफिकेशन मीन्स टू सेटिस्फाई द सेंसेस. एंड देयर इज अनदर डायमेंशन. And that dimension is when we try to satisfy the senses of Krishna by whatever we are doing,
that is called as a spiritual dimension, and that is called as Krishna consciousness. So when a person tries to satisfy his own senses only, his goal of life is only to satisfy his own senses, that is sense gratification. And when a person's goal of life is to satisfy the senses of Krishna, that is Krishna consciousness. That is called as spiritual life. So Brajvasis, the Krishna, they were so much Krishna conscious, they could never forget Krishna the entire day. Brajvasi log kabhi bhi Bhagwan ko bhul nahi pata. कृष्ण को कभी भी भूल नहीं पाता था, हर टाइम पे कृष्ण को याद करता था. और कृष्ण जब चला गया वृंदावन से, द्वारका चला गया जब, तो वो सेपरेशन में था. ब्रजवासी लोग देर इन ग्रेट सेपरेशन, देर क्राइंग फॉर कृष्ण. वी कैन नॉट इमेजिन एट दिस प्रेजेंट मोमेंट because we don't have that love for Krishna. We don't have that much love for Krishna. We are conditioned souls. Conditioned soul means the soul which is going from one body to another body to another body in 84 lakh species. And in every species, the soul is trying to gratify the senses, to satisfy only his own senses. So that habit has been remaining with us for millions and trillions of lifetimes. Now we are coming in contact with Krishna through his holy names. Ye Hare Krishna Mahamantra ka madhyam se hum log Bhagwan ke contact mein aa rahe hain. Lekin itna jaldi hum log Bhagwan ke prati attachment grow karna, इतना जल्दी नहीं होगा. इट विल टेक टाइम. इट विल हैपन ग्रेजुअली बिकॉज फॉर मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स वी हैव डेवलप्ड दिस हैबिट ऑफ ग्रेटिफाइंग आवर ओन सेंसेस ओनली, ऑफ ग्रेटिफाइंग आवर ओन माइंड्स ओनली. मन और इंद्रिय का गुलामी हम लोग करते आए हुए हैं, तो इतना आसान नहीं है कि सडनली we will develop love and attachment to Krishna. And Krishna knows that very well. That is why he sends his bona fide representative, jinko hum log guru kehte hain, bona fide guru. Unbona fide or you know, wrong guru ka baat main nahi kar raha hu. Bonafide representative, jaise Srila Prabhupada is bonafide representative of Krishna, and the whole world has seen his spiritual power. The whole world is gradually getting attracted to this chanting of the Hare Krishna Mahamantra. They are getting the knowledge of Krishna. They're knowing the science of Krishna. So Srila Prabhupada is Jagat Guru, or is the spiritual master of the whole world. So Bhagwan Jagannath, hum log dekhenge ki dekhiye Bhagwan aisa nahi ki Bhagwan akela hai. भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ है. भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ लीला कर रहा है. कृष्णा इज नेवर एलोन. कृष्णा मीन्स कृष्णा एंड हिज डिवोटीज. तो जगन्नाथ पुरी मंदिर में एक गेट है. वो गेट में एक
30 फुट का हनुमान जी खड़ा है उस गेट में। उस हनुमान को बोला जाता है कान पाता हनुमान। तो कान पाता हनुमान, उनका क्या, हनुमान जी का काम क्या है उधर? तो हनुमान जी को भगवान जगन्नाथ उस गेट में खड़ा रहने के लिए बोला है, ताकि समंदर का जो सी है, जो समंदर का आवाज मंदिर में ना प्रवेश करे और भगवान को सोने में दिक्कत ना हो, क्योंकि पूरी में सब जगह पे समंदर का आवाज आता है रात में, लेकिन जो मंदिर में कोई आवाज नहीं आता है। कान पाता हनुमान, हनुमान जी वो आवाज घुसने नहीं देता, अपना कान में सब आवाज घुसा लेता है। और एक दूसरा गेट में है बेड़ी हनुमान। तो बेड़ी हनुमान, हाँ, तो क्या होता था पहले कि जो समंदर का पानी है वो पानी पूरी में बार बार घुस जाता था। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ बोला, हनुमान जी को ये इंस्ट्रक्शन दिया भगवान जगन्नाथ कि तुम इस गेट में खड़ा रहो और पूरी में समंदर का पानी ना घुसे, ये तुम देखना। तो बेड़ी हनुमान पूरी में समंदर का पानी घुसने नहीं देता। तो एक बार क्या हुआ, ये बेड़ी हनुमान, ये हनुमान जी क्या हुआ, अयोध्या में राम कथा चल रहा था, तो अयोध्या चला गया। जगन्नाथ जी देखा, अच्छा कहाँ चल गया हनुमान जी, पानी घुस रहा है पूरी में। तो जगन्नाथ जी पकड़ के लाए हनुमान को, अयोध्या से पकड़ के लाया और उसको उस गेट में बांध दिया एकदम। इसलिए उनका नाम है बेड़ी हनुमान, भगवान जगन्नाथ उसको बांध दिया। फिर राम कथा सुनने अयोध्या चला जाएगा, इधर पानी घुस जाएगा पूरी में। तो ये भगवान का लीला। तो ये दो हनुमान जी बहुत स्पेशल है जगन्नाथपुरी मंदिर में, दो गेट में, एक है कान पाता हनुमान और एक है बेड़ी हनुमान। तो पुरी का नाम पुरी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी यहाँ पे निवास करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो इसलिए पुरी। तो हम लोग को भी अपना हार्ट को हम लोग भी एक धाम बना हम लोग को भी एक धाम बनाना चाहिए। अपना हृदय को हम लोग को भगवान का धाम बनाना चाहिए। कैसे? हम लोग अपना हृदय में भगवान को अगर बैठाएंगे तो हम लोग का हार्ट एक धाम बन जाएगा। और भगवान हमेशा हमेशा चाहता है कि जो जीवात्मा है वो भगवान के साथ जुड़े। जो मेटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में जो जीवात्मा इतना कष्ट पा रहा है, उनके साथ जुड़े, तब जाके वो इस कष्ट से, भौतिक संसार का जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, इस चक्कर को काट पाएगा और भगवान के प्रति प्रेम डेवलप कर पाएगा और पूर्ण आनंद में वो स्थित होगा। तो एक बार पुरी में रामचंद्र देव बोल के एक जन राजा था, रामचंद्र देव। तो ये रामचंद्र देव का टाइम पे एक मुस्लिम रूलर,
एक मुस्लिम बादशाह पुरी में अटैक किया था। पुरी में बहुत सारा मुस्लिम बादशाह अटैक किया, भगवान का रथ को एक बार डैमेज किया था। तो ये मुस्लिम बादशाह रामचंद्र देव, जब पुरी का राजा था उस टाइम पे, जब अटैक किया रामचंद्र देव का राज्य को, पुरी को, तो उसके बाद ये मुस्लिम बादशाह ये रामचंद्र देव को बोला कि अगर तुम चाहते हो कि हम पुरी धाम को फिर कभी अटैक ना करूं, तब मेरा बेटी को शादी करना पड़ेगा तुमको। तो फिर रामचंद्र देव सोचा बहुत, फिर सोचा कि पुरी का जनता का प्रोटेक्शन के लिए और भगवान का, पुरी का जो मंदिर का प्रोटेक्शन, भगवान का विग्रह का प्रोटेक्शन के लिए मुस्लिम रूलर अगर अटैक किया तो नुकसान हो सकता है। तो ये रामचंद्र देव मुस्लिम बादशाह का बेटी को शादी कर लिया। तो जब शादी कर लिया तब वो तो पुरी का पांडा लोगों को पता चल गया कि रामचंद्र देव मुस्लिम लड़की को शादी किया है, राजा है पुरी का राजा। तो पांडा लोग फिर उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया। तो पुरी का मंदिर में कोई मुस्लिम एंटर नहीं कर सकता है। तो राजा, क्योंकि मुस्लिम लड़की के साथ शादी किया था, इसलिए राजा को भी घुसने अलाउ नहीं किया। तो राजा बहुत दुख में था कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं हो रहा है, बहुत कष्ट में था। तो राजा रात में आता था, रात में पुरी का मंदिर का गेट में जाके अपना घोड़ा लेके पुरी का मंदिर का गेट के सामने खड़ा रहता था और भगवान का दर्शन के लिए बहुत रोता था कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, भगवान को याद करता था। तो ऐसे जब राजा रामचंद्र देव इतना कष्ट में देखते और भगवान गेट का सामने, पुरी का गेट का सामने प्रकट हो गए और राजा को दर्शन दिया। तो उस दिन से पुरी का जो गेट का सामने भगवान का विग्रह है, उस विग्रह को बोला जाता है पतित पावन जगन्नाथ। ये पतित पावन जगन्नाथ का दर्शन करना, जगन्नाथ के दर्शन करने का ही लाभ मिलता है। तो पुरी में अगर कोई मुस्लिम लोग आया जो गाय का मांस खाता है, कोई क्रिश्चियन लोग आया, तो वो लोग पतित पावन का दर्शन करके जगन्नाथ का दर्शन करने का लाभ उठा सकते हैं। ये पतित पावन जगन्नाथ का विग्रह है, जगन्नाथपुरी मंदिर का गेट का पास, एक बहुत सारा गेट है जगन्नाथपुरी मंदिर का। तो ये है पतित पावन जगन्नाथ का, तब से लेकर आज भी है विग्रह। तो और एक जगन्नाथ जी का महान भक्त था, उनका नाम था दासिया बावड़ी। ये एक आदमी था जो भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। ये जगन्नाथपुरी से थोड़ा दूर में एक जगह है, उस जगह का नाम है बालीग्राम। यह बालीग्राम में रहता था।
और सब लोग जानता मतलब बालिग्राम का ये बासिंदा था। तो भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था, पहले इनको सब लोग नहीं जानता था, बाद में सब लोग जान गया। कैसे जाना? वो एक बहुत अच्छा लीला हुआ। तो ये बालिग्राम के रहने वाला दास्या बावरी, ये सांताल जाति का था। सांताल लोगों को भी जगन्नाथपुरी का मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। कैसे कैसे अगर कोई सोचेगा कि कोई कोई मान लीजिए कोई मान लीजिए मुस्लिम है, कोई सोचेगा ऐसे ऐसे थोड़ा दाढ़ी उड़ी शेविंग कर लेंगे, इधर उधर से घुस जाएंगे, कौन समझेगा कि मुस्लिम है कि हिंदू है, कौन समझेगा? तो पांडा लोग ऐसे ऐसे समझ जाएगा कि वो लॉजिक के बियॉन्ड है, वो फिर रोक देगा। वो ऑर्डिनरी लॉजिक में वो नहीं ये कर पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा। तो ये सांताल लोगों को भी मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। तो ये दास्या बावड़ी पतित पावन को दर्शन किया, पतित पावन जगन्नाथ को दर्शन किया, और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा उनको। जगन्नाथ का आंख गोल 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 आंख बहुत अच्छा लगा उनको, इतना अच्छा लगा भगवान जगन्नाथ का आंख कि वो पूरा एकदम आंख का पिक्चर पूरा उनका हार्ट में एकदम पूरा घुस गया। इतना इतना उनको टच किया जगन्नाथ जी का आंख, कंप्लीटली कैप्चर्ड दैट इमेज ऑफ द आईज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इन हिज हार्ट, पूरा दिल में घुसा लिया जगन्नाथ जी का आंख का पिक्चर, बहुत खूबसूरत लगा। तो अपना घर पे गया, जब घर गया तब उनका उनका जो वाइफ था, तो उनका वाइफ उनको खाने के लिए जो खाना परोसी, तो उस प्लेट में जो उनका वाइफ जो है उनका स्त्री जो उनको खाना खाने के लिए दिया, वो एक लाल रंग का प्लेट में खाना दिया दिए थी। तो लाल रंग का प्लेट में राइस, बीच में राइस दिया, तो राइस देने के बाद उस राइस का ऊपर, राइस तो सादा होता है कलर, राइस का कलर सादा होता है, लाल प्लेट उसका बीच में राइस, राइस का ऊपर दिया शाक। वो शाक का कलर जब कुकिंग के बाद काला काला कलर का होता है, हो जाता है शाक। तो ये दास्या बावड़ी जब देखा कि लाल प्लेट उसके बाद बीच में सादा राइस और राइस का ऊपर शाक, इसका कलर काला था, तो दास्या बावड़ी भगवान जगन्नाथ का आंख को याद करने लगा। और जगन्नाथ का आंख को याद करते करते पूरा एक्सटेसी, पूरा एकदम मतलब भगवान का प्रेम में पूरा एकदम पागल का जैसा नाचने लगा एकदम। दैट इज द पोजिशन ऑफ हिम, वी कैन नॉट इमिटेट दैट। हम लोग वो स्थिति को इमिटेट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। तो
दासी अबाड़ी बोला कि हम कैसे खाना खाए, ये तो भगवान जगन्नाथ का आंख है, और भगवान का आंख को याद करते हुए नाचने लगा, और उसका उसका वाइफ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया, खाना नहीं क्यों खा रहा है, लेकिन वो तो समझ नहीं पा रहे है कि ये तो आंख समझ रहा है, जगन्नाथ का आंख समझ रहा है ये, तो बोल रहे आंख को कैसे खाऊं। फिर लास्ट में समझा कि भगवान का जगन्नाथ का आंख, उनका इतना उस भगवान जगन्नाथ से प्रेम हो गया है कि वहां पर भी खाने में भी भगवान जगन्नाथ का आंख देख रहा है, क्योंकि वो मैच कर रहा था, लाल लाल बर्तन में और बीच में सादा और ऊपर बीच में काला साग दे दिया, तो एकदम रिजेंबल कर रहा था कि एकदम जगन्नाथ जी का आंख देख रहा है। तब जाके उनका जो वाइफ थी समझा समझे कि ये उनका जो हस्बैंड है दास्या बावड़ी, ये दास्या बावड़ी बहुत भगवान की बहुत महान है। और फिर दूसरा प्लेट में खाना परोसी, उसके बाद दास्या बावड़ी खाना को खाया। तो ये है भगवान जगन्नाथ का भक्तों का महिमा, दासिया बावड़ी। तो एक बार ये दासिया बावड़ी एक घर में कपड़ा बेचने गया, कपड़ा सिलाई करना उनका जो कार उसका प्रोफेशन था। तो एक एक आदमी का घर में कपड़ा बेचने गया दासिया बावड़ी। तो जब कपड़ा बेचने गया तो उनका जो घर में, उस आदमी का घर में एक बहुत सुंदर नारियल देखा, डाब नारियल, बहुत सुंदर नारियल देखा। और फिर दासिया बावड़ी सोचा कि ये नारियल अगर हम भगवान को ऑफर कर पाए, भगवान जगन्नाथ को अगर हम खिला पाए ये नारियल, तो बहुत अच्छा होगा। तो वो नारियल तो उसे, उस घर का जो आदमी है उसे पूछा कि क्या मैं ये नारियल ले सकता हूँ, क्यों लेना है, नहीं ये तो मैं जगन्नाथ जी को ये ऑफर करना चाहता हूँ, भगवान जगन्नाथ को ये मैं खिलाना चाहता हूँ, ये नारियल बहुत सुंदर। तो इसलिए देखिए भगवान का भक्त जो है वो भगवान को सबसे बेस्ट चीज देना चाहता है, सबसे बेस्ट चीज ऑफर करना चाहता है, जो भी वो देखता है जो बेस्ट चीज है वो भगवान को वो देना चाहता है। तो खरीद लिया नारियल, खरीद लिया उस आदमी से, नारियल खरीद लिया और फिर नारियल लेके मंदिर के तरफ गया, जगन्नाथ मंदिर के तरफ गया। लेकिन मंदिर में तो घुस नहीं पाएगा, तो सांथाल जाति का है, मंदिर में तो घुसने नहीं दिया जाएगा उनको। तब वो देखा कि और एक व्यक्ति, बहुत सारा व्यक्ति मंदिर में जा रहा था, तो एक व्यक्ति को हाथ में ये नारियल दिया कि भैया आप ये नारियल लेके जाइए, मंदिर में आप जा रहे हैं, आप नारियल लेके जाइए और अब भगवान को जब दर्शन कीजिएगा, तब आपका दर्शन हो जाने के बाद
आप हाथ में नारियल रखिए, ऐसे ऐसे हाथ में नारियल रख के भगवान के सामने बोलिए कि ये दास्या बावड़ी का, दास्या बावड़ी बालीग्राम का, वो आपके लिए नारियल भेजा है। अगर भगवान डायरेक्टली वहां से वो नारियल एक्सेप्ट कर लेता है, नारियल ले लेता है, तो फिर ठीक है। अगर नारियल नहीं लेता है आपका बोलने के बाद भी, तब वो नारियल वापस लेके आप आ जाइएगा, मेरे को वापस दे दीजिएगा नारियल, तो ठीक है, बढ़िया है। नारियल नारियल लेके गया वो आदमी, फिर भीतर घुसा, मंदिर का भीतर में घुसा, अपना दर्शन किया, फिर प्रणाम किया, सब कुछ किया। तो फिर जो वो सोचा कि अच्छा ठीक है, ये दासिया बावड़ी बोला है तो ठीक है, कर देते हैं, भगवान थोड़ी उसको लेगा, भगवान थोड़े हाथ बढ़ा के थोड़े लेने जाएगा। तो लेकिन ठीक है, दासिया बावड़ी बोला है, नारियल दिया है, कष्ट करके बेचारा दिया है, तो कर देते हैं, थोड़ा बोल देते हैं भगवान को। ठीक है भगवान, हाथ बढ़ा के बोलो, भगवान जगन्नाथ जी, दासिया बावड़ी आपके लिए, बालीग्राम का दासिया बावड़ी आपके लिए नारियल भेजा है। तो वो देखा कि जगन्नाथ जी का हाथ बाहर आके वो नारियल ले लिया, सब लोग देख रहा है कि हवा में नारियल जा रहा है, जो लोग दर्शन कर रहा था जगन्नाथ जी का, हवा में नारियल जा रहा है, वो लोग समझ नहीं पा रहे, वे देख रहे हैं कि सही में जगन्नाथ जी अपना हाथ बढ़ा के नारियल ले लिया पूरा। वो पूरा एकदम चौंक गया कि अरे कैसे हो गया, हम तो सोचे थे कि ऐसे ही हम बालीग्राम का ये दासिया बावड़ी है तो ऐसे ही मतलब बोला था, कैसे सही में भगवान ले लिया नारियल, तो पूरा एकदम चौंक गया। उसके बाद वो समझ पाया कि जो दासिया बावड़ी है कोई ऑर्डिनरी भक्त नहीं है, भगवान का महान भक्त है। तो ये दासिया बावड़ी का ऐसे लीला हुआ, और भी एक लीला हुआ। तो भगवान जगन्नाथ दासिया बावड़ी का घर में आया एक दिन, मतलब भगवान कृष्ण स्वयं आ गया दासिया बावड़ी का घर। तो दासिया बावड़ी को पूछा, तुमको क्या चाहिए, कोई भी चीज तुम मांगो, हम तुमको देने के लिए तैयार हैं। जगन्नाथ जी पूछा, तो जगन्नाथ जी दासिया बावड़ी को पूछा, कुछ भी चीज तुम पूछो, कुछ भी चीज मांगो तुम, दे देंगे तुम। तो दासिया बावड़ी दो चीज मांगा जगन्नाथ जी से। पहला चीज है कि दासिया बावड़ी बोला कि हमको आप ऐसा अरेंजमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमको खाने के लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा, हम अच्छा से आपका भजन करेंगे, आपका नाम लेंगे, आपके बारे में आपका पूजा करेंगे घर पे, और आपका नाम जप करेंगे, आपके बारे में चिंतन करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, मेरे को खाने के लिए चिंता मत करना पड़ेगा, ऐसा आप व्यवस्था कर दीजिए। जगन्नाथ जी बोला ठीक है, तुमको खाने के लिए तुम्हारा कोई चिंता नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा पेट चलाने के लिए तुमको कुछ एक्स्ट्रा एंडिवर नहीं करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुम आराम से भगवान का भक्ति कर सकते हो घर में। और दूसरा क्या चीज मांगा जगन्नाथ जी से, तो जगन्नाथ जी को बोला दासिया बावड़ी, जगन्नाथ जी को बोला
कि आपका दर्शन मंदिर में आपका दर्शन नहीं मिलता है मेरे को, तो ऐसा कुछ व्यवस्था कर दीजिए आप कि कभी भी हम आपका दर्शन कर सके। तो भगवान जगन्नाथ जी उनको बोला कि जगन्नाथपुरी मंदिर का ऊपर जो नील चक्र है, ये नील चक्र का दर्शन जब ही करेगा दासिया बावड़ी, तो जगन्नाथ जी को दर्शन करने का ही उनको, जगन्नाथ खुद उस नील चक्र में अपने आप को प्रकट करेगा और दर्शन देगा। तो कभी भी वो नील चक्र का दर्शन करके वो जगन्नाथ का दर्शन कर पाएगा। ये दासिया बावड़ी जब भी जाता था मंदिर का पास में, मंदिर में तो उनको घुसने नहीं दिया जाता था क्योंकि वो सांथल जाति से था, तो नील चक्र का जब भी दर्शन करता था वहीं पे उसको भगवान जगन्नाथ दिखाई देता। इसलिए नील चक्र का दर्शन, तभी से नील चक्र का दर्शन और भगवान जगन्नाथ का दर्शन सेम है। कोई अगर नील चक्र का दर्शन करेगा वो भगवान जगन्नाथ का दर्शन का ही उसको फल मिलेगा। इट इज सेम एज टेकिंग दर्शन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो जगन्नाथ पुरी में जब हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे हरिदास ठाकुर जगन्नाथ पुरी में रहते थे, चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर उनको चैतन्य महाप्रभु नाम आचार्य का टाइटल दिया था भगवान चैतन्य महाप्रभु। क्यों नाम आचार्य का टाइटल दिया था? क्योंकि प्रतिदिन एवरी डे हरिदास ठाकुर 192 rounds chanting करता था। 192 rounds, can you imagine how many rounds can we chant in a day? Likewise, many of you are chanting some amount of rounds per day, every day, fixed number of rounds. But can you chant 192 rounds every day? Not possible. So Haridas Thakur is Naam Acharya. We cannot imitate the Acharyas. We cannot copy the Acharyas. If we try to copy the Acharyas, we will be in great trouble actually. लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर हम लोग को सिखा रहा है कि नाम का, भगवान का नाम का महत्व क्या है। सो ही कुड चैंट 192 राउंड्स एवरी डे एंड देयरफॉर लॉर्ड चैतन्य लव्ड हिम सो मच, ही गेव द टाइटल नामाचार्य। लेकिन हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम फैमिली में अपना जन्म लिया था हरिदास ठाकुर, तो मुस्लिम फैमिली में क्योंकि जन्म लिया था इसलिए हरिदास ठाकुर को जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। तो हरिदास ठाकुर भी ये नील चक्र का दर्शन करके भगवान जगन्नाथ का दर्शन करता था। सोचिए शिला प्रभुपाद जी हम लोग को कितना कृपालु है कि श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों को 192 राउंड्स चैंटिंग करने नहीं बोला। श्रील प्रभुपाद हम लोगों को 16 राउंड्स चैंटिंग का बोला है, मिनिमम 16 राउंड्स का रखा है स्टैंडर्ड, और चार नियम, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ये दिया है। ये इस्कॉन का पिलर है, ये मेन चीज है। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग,
नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री संग नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, गैम्बलिंग, जुआ इत्यादि ना खेलना, और नशा बीड़ी सिगरेट गांजा चाय कॉफी इत्यादि नशा नहीं करने का। ये चार नियम और 16 माला चैंटिंग, ये स्टैंडर्ड दिया है। तो श्रील प्रभुपाद कितना कृपालु है। श्री चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे सब लोग 64 राउंड्स चैंटिंग करते थे। जो 64 राउंड्स चैंटिंग करता था उसी का घर में चैतन्य महाप्रभु जाता था। श्रील प्रभुपाद जी देखा कि इस सिचुएशन में, कलयुग का इस सिचुएशन में 64 राउंड्स चैंटिंग करना डिफिकल्ट है। श्रील प्रभुपाद बहुत कृपा से 16 राउंड्स का स्टैंडर्ड रखा, वो भी शास्त्र के अनुसार है, और ये मिनिमम स्टैंडर्ड रखा। तो हरिदास ठाकुर भी ऐसे नील चक्र का दर्शन करके जगन्नाथ का दर्शन करता था। तो एक बार क्या हुआ, ये दास्या बावड़ी, ये दास्या बावड़ी एक बार मार्केट में गया। तो भगवान का महान भक्त दास्या बावड़ी मार्केट में देखा कि आम का बिक्री हो रहा है। बहुत एक दुकानदार के पास बहुत सुंदर सुंदर आम देखा दास्या बावड़ी, तो तुरंत खरीद लिया। और किस लिए खरीदा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को खिलाना है, आम खिलाना है भगवान जगन्नाथ को। तो दासिया बावड़ी जो भी बेस्ट चीज देखता था वो भगवान को ऑफर करता था। तो सीधा खरीदा आम मार्केट से और सीधा मंदिर की तरफ चला गया। मंदिर की तरफ जब ही गया तो मंदिर का गेट पे जब दासिया बावड़ी आ गया, सब पांडा लोग क्या किया, उनको पूरा घेर लिया सब पांडा लोग, क्योंकि पांडा लोग जान गया था कि इसके पहले बार दासिया बावड़ी का दिया हुआ जो नारियल है वो दूसरे एक आदमी के पास डायरेक्ट भगवान खा लिया था। तो पांडा लोग घेर लिया दासिया बावड़ी को, बोला हाँ दीजिए दीजिए आम हमको दीजिए, हम भगवान को भोग लगाएंगे। ओ दूसरा पांडा बोल रहा है हमको दीजिए, तीसरा पांडा बोल रहा है हमको दीजिए। दासिया बावड़ी बोला कि नहीं, हम किसी को नहीं देंगे, बोला हम किसी को नहीं देंगे। पांडा लोग बोला अरे आम लाया है, आम भगवान जगन्नाथ को नहीं देगा तो क्या वापस लेके चला जाएगा, आम हमको दे दो, हम जाके भगवान को लगाते हैं। पांडा लोग सब जानता था कि दासिया का लाया हुआ कोई भी चीज एकदम भगवान ले लेगा, पिछले बार हाथ बढ़ा के ले लिया था, तो वो मना कर दिया, नहीं किसी को नहीं देंगे, हम डायरेक्ट भोग लगाएंगे। पांडा लोग बोला अरे तुमको तो मंदिर में घुसना ही अलाउड नहीं है, डायरेक्ट तुम भगवान को कैसे देगा। वो बोला ठीक है तुम लोग देखो। तो दासिया बावड़ी नील चक्र, भगवान जगन्नाथ का मंदिर का ऊपर नील चक्र की तरफ देखा और बास्केट से एक आम लिया और भगवान नील चक्र की तरफ रखा, जगन्नाथ जी कृपा करके आम लीजिए। तुरंत सब पांडा लोग देख रहे हैं आम गायब, हाथ से गायब आम, कहाँ चल गए आम। दासिया बावड़ी तो देख रहा है कि ले लिया भगवान जगन्नाथ, और नील चक्र में जगन्नाथ जी को पूरा साक्षात देख सकता था, भगवान वरदान दिया था वो दासिया बावड़ी को। दूसरा एक आम लिया, फिर भगवान को बोला भगवान आम लीजिए, आपके लिए बेस्ट आम लाए हैं, बेस्ट क्वालिटी का। तुरंत आम गायब, ऐसे पूरा बास्केट खाली हो गया। तो पांडा लोग बोला कि अरे ये दासिया बावड़ी जादू कर रहा है, ये ढोंगी ढोंगी है, ये जादू कर रहा है, ये आम को गायब कर दे रहा है इधर उधर करके, कहाँ से जादू सीख के आया है,
जादू कर रहा है, ये ढोंगे बाबा है ये। फिर दासिया बावड़ी बोला कि तुम लोग जाओ भगवान का अल्टर में जाओ, भगवान का सिंहासन में जाओ, तो देखोगे भगवान सब आम खाया है, देखो जाके। तो पांडा लोग दौड़ लगाया, भगवान का मंदिर में घुसा, भगवान का सिंहासन में जब गया, देखा कि सब आम का जो छिलका है और आम का जो सीड है, आटी जो बीच में रहता है, आम का सीड जो बीज, वो सब पड़ा हुआ है, छिलका पड़ा हुआ है। और भगवान जगन्नाथ को देख रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आम खाया है, आम लगा हुआ है अपना मुख में। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, तो जगन्नाथ जी आम खाया, दासिया बावड़ी का सब आम खा लिया। तो तब सब पांडा लोग समझा कि दासिया बावड़ी कोई मैजिक नहीं कर रहा था, ये सही में भगवान का महान भक्त है। तो ये था दासिया बावड़ी का कहानी। भगवान कैसे देखिए अपना भक्तों से रेसिप्रोकेट करता है, आदान प्रदान करता है। भगवान अपने भक्तों को सेवा करना चाहता है और भक्त भगवान को सेवा करना चाहता है। और एक लीला है, एक बार एक पांडा पुरी का एक पांडा राजस्थान का जयपुर में गया। तो राजस्थान का जयपुर में, जयपुर का जो राजा था उसका घर में गया था पांडा। तो पांडा लोग पहले घूमता था पूरा इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में घूमता था, बड़े बड़े व्यक्ति का घर में भगवान जगन्नाथ का प्रसाद देता था जाके, और जगन्नाथ जी के लिए डोनेशन भी कलेक्ट करता था। पूरा इंडिया में घूमता था पांडा लोग पहले। तो जो पांडा जयपुर का राजा का घर में गया, तो जयपुर का राजा का बेटी का नाम था पद्मावती। तो पद्मावती ये राजा का बेटी, बहुत अच्छा भक्त है जगन्नाथ का, बहुत महान भक्त है जगन्नाथ का। तो राजा के साथ मुलाकात हुआ ये पांडा का। तो फिर राजा को भी बहुत अच्छा लगा, राजा भगवान जगन्नाथ के लिए बहुत बड़ा रकम डोनेशन दिया। तो आने का टाइम, पांडा जब रिटर्न करके आ रहा है, जब घर से निकल रहा है, राजा का घर से, राजा का महल से जब निकल रहा था, तब राजा का जो बेटी थी पद्मावती, तो पद्मावती एक बॉक्स दिया, छोटा सा बॉक्स दिया ये पांडा को। ये पांडा को एक छोटा सा सोने का एक बॉक्स प्रदान किया, सोने का नहीं था, नॉर्मल यही था। तो ये बॉक्स दिया पांडा को, पद्मावती बोली कि जाके जगन्नाथ को हैंडओवर कर देने पर, जगन्नाथ को देने। तो पांडा बॉक्स लेके, छोटा सा जो बॉक्स दिए थी पद्मावती, उसको लेके पूरा पुरी में आया। पुरी में आके अपना घर पे आया, तब तो उसको लालच लग गया कि बॉक्स के अंदर क्या है, कोई डायमंड रिंग होगा, कोई कुछ बहुत कीमती ज्वेल्स का कुछ होगा, राजा का बेटी दिया है। तो वो क्या किया पांडा, उस बॉक्स को खोल दिया, खोल के देखा कि सिंपली एक कागज है, एक कागज का टुकड़ा है बस, और उस कागज का टुकड़ा में कुछ लिखा हुआ है बस, इतना ही चीज था। तब पांडा सोचा कि अरे तो बेकार, इधर पे इतना दूर से कागज लाया हमें, फेंक दिया कागज। तो नेक्स्ट दिन मंदिर में गया पांडा, जगन्नाथ जी को दर्शन किया, लेकिन ये बॉक्स तो फेंक दिया था, कुछ नहीं दिया।
पद्मावती जो बॉक्स देने बोली थी वो नहीं दिया जगन्नाथ को, बॉक्स के भीतर में जो चीज है। तो उस दिन रात को वापस आया, वो सो गया, भगवान जगन्नाथ उसके सपने में आया, तो बहुत पिटाई किया जगन्नाथ जी उसका। अरे मेरा मेरा भक्त इतना कष्ट करके भेजा मेरे को, हाँ तुम फेंक दिया, वो सबसे ज्यादा कीमती है मेरे मेरे लिए, वो तुम फेंक दिया इधर, हाँ बहुत पिटाई किया इधर उधर पूरा एकदम, हाँ ये तो मतलब जबरदस्त झापड़ मारा एकदम जगन्नाथ जी पांडव को सपने में। सपना से उठा, दिन से उठा, देखा पूरा गाल एकदम इधर उधर पूरा लाल हो गया एकदम। तो फिर उस दिन फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करने गया, तो भीतर में पांडव लोग तो भीतर में जा सकता है, तो देखा कि जगन्नाथ जी का लॉकेट में वो कागज, जगन्नाथ जी का लॉकेट में एक कागज रखा हुआ, वही वाला कागज। तो वो कागज को बाहर निकाला और दूसरा पांडा लोग हेड पांडा कागज को बाहर निकाला, फिर देखा कागज में क्या लिखा हुआ है देखा। तो वो क्योंकि वो जो पांडा हेड पांडा को बोल दिया था कि मेरा सपने में आया भगवान जगन्नाथ, ये कागज एक्चुअली पद्मावती राजा का बेटी को भेजी है। तो हेड पांडा कागज निकाला और क्या लिखा था वो पढ़ा, तो उस कागज में एक श्लोक लिखा था। तो वो श्लोक का संस्कृत में वो श्लोक का मीनिंग ये है, पद्मावती ये लिखी थी कि आप भगवान हैं, आपके पास सब कुछ है, आपको देने के लिए और कुछ नहीं है मेरा, आप सब कुछ का मालिक है, मेटेरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों का मालिक आप है, आप सबसे बड़ा राजा है, आपको देने के लिए मेरा और कुछ नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ अपना मन आपको मैं देना चाहती हूं। I simply want to give my mind to you. अपना मन आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो एक्चुअली ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजीवम नमस्कुरु। ये दो टाइम बोला गया है भगवान। तो मन को, हम लोग का मन कहाँ पे रहता है जनरली? हम लोग का मन इंद्रिय तृप्ति में रहता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में डूबा हुआ रहता है। जो भी मन को अच्छा लगता है वो हम लोग कोशिश करते करने का, भगवान के तरफ, भगवान के नाम के तरफ, भगवान के चिंता के तरफ मन जाता ही नहीं है, क्योंकि अब पूरा मन जो है मेटेरियलिस्टिक, मेटेरियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आके, मेटेरियल चीजों के कांटेक्ट में आके ये पूरा कंटेमिनेटेड हो गया है मन। तो ये कंटेमिनेटेड मन को अगर हम लोग भगवान पे लगाएंगे, और सबसे बेस्ट तरीका है सुबह सुबह हम लोग अगर चैंटिंग का माध्यम से ये मन का जो ऊपर जो डस्ट गिर गया है उस डस्ट को हम लोग साफ कर सकते हैं, और जब पूरा साफ हो जाएगा तब वो मन को हम लोग भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा गिफ्ट है भगवान को, भगवान यही चाहता है कि मन कोई किसी कोई अपना मन को भगवान को गिफ्ट करे। तो पद्मावती के भक्ति पे भगवान जगन्नाथ बहुत खुश था, और फिर से भगवान अपना भक्तों का महिमा सबके सामने लाया। और एक हिस्ट्री है, और एक लीला है। एक भक्त था, बांग्लादेश में रहता था वो, उस भक्त का नाम था कृष्ण महापात्र, जगन्नाथ का भक्त था।
बांग्लादेश में कृष्ण महापात्र, उनका एक बेटा था, उनका बेटा का नाम था रघुनाथ। तो रघुनाथ, तो ये कृष्ण महापात्र बहुत अमीर आदमी था, उसका बेटा भी, इसलिए सब उसका जो संपत्ति उसको मिला, बहुत अमीर अमीर था। तो ये रघुनाथ ये दान करता था, बहुत दान करता था, डोनेशन करता था भगवान के लिए, बहुत डोनेशन करता था। तो अभी ये रघुनाथ का शादी का टाइम हो गया है, रघुनाथ एक दूसरा एक व्यापारी गंगाधर नाम के एक व्यापारी था, उसका बेटी को शादी किया रघुनाथ। उस बेटी का नाम था, उनका बेटी गंगाधर का बेटी का नाम था, नाम थी अन्नपूर्णा। ये अन्नपूर्णा लड़की से शादी किया रघुनाथ। तो रघुनाथ दान करता था, भगवान के लिए दान करता था, और जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त, बहुत अच्छा भक्त था भगवान जगन्नाथ का। तो दान करते करते भिखारी बन गया ये रघुनाथ। तो कोई सोचेगा कि अच्छा, तब भगवान के लिए दान करना भिखारी बन जाता है, दान करते करते सब भिखारी बन जाते हैं, सब कोई भिखारी नहीं बनेगा। रघुनाथ इतना बड़ा दानी था कि वो भिखारी बन गया दान करते करते। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उनका पूरा जीवन का हम लोग देखेंगे, पूरा जीवन में उनका क्या हुआ देखेंगे। तो ये रघुनाथ जब भिखारी बन गया, इतना ज्यादा दान किया, अपने लिए कुछ रखा ही नहीं, तो फिर वो ये अपना पत्नी जो अन्नपूर्णा को बांग्लादेश में वहां पे रख के पुरी में चला गया भिक्षा करने। भिखारी बन गया, पुरी में जाके भिक्षा करना ये रघुनाथ। तो पुरी में जाके जब भिक्षा कर रहा था, जगन्नाथ के मंदिर के सामने भिक्षा कर रहा था, और पूरा एकदम बहुत बड़ा दाढ़ी हो गया था, बहुत कपड़ा बहुत गंदा हो गया था, भिखारी जैसा पूरा एकदम सब कुछ हो गया था, भिक्षा ही करता था। तो अभी जो अन्नपूर्णा का जो पिताजी था, तो अन्नपूर्णा का पिताजी गंगाधर, उनको खबर मिला कि उनका जो मतलब ये दामाद ये रघुनाथ ये भिक्षा करने चला गया है, कहाँ पे, पुरी में भिक्षा कर रहा है। तो ससुर जी को बहुत मतलब सोचा कि अच्छा, मेरा बेटी का कुछ नहीं होगा, ये भिखारी के साथ क्या करेगी मेरा बेटी। तो ससुर जी सोच लिया कि उनका मतलब अन्नपूर्णा को और एक शादी करवाएगा। तो बहुत पैसा वाला आदमी से कांटेक्ट किया, बांग्लादेश में ही और एक पैसा वाला आदमी से कांटेक्ट किया, बोला कि अच्छा ये तो देखो भिखारी बन गया, ये रघुनाथ भिक्षा कर रहा है, कुछ देख नहीं रहा है बेटी को, तो दूसरा शादी देना पड़ेगा। सब कुछ फिक्स हो गया, अन्नपूर्णा का शादी हो, बड़ा जो आदमी था और एक पैसा वाला आदमी से फिक्स हो गया। वो अन्नपूर्णा को बोल दिया गया कि तुम्हारा दूसरा शादी होने वाला है, भिखारी को छोड़ो, पुरी में जाके भिक्षा करता है। तो अन्नपूर्णा बहुत टेंशन में आ गई, क्योंकि लड़की को हस्बैंड रहने के टाइम ऐसे दूसरा शादी करना, ये सती नारी नहीं कहलाएगी। तो अन्नपूर्णा बहुत
सती, बहुत ही सती नारी, चेस्ट वाइफ, जो शास्त्र का निदान है, वाइफ शुड बी चेस्ट, कहते हैं सती, डेडिकेटेड टू हर हस्बैंड। तो ये जो अन्नपूर्णा थी, अन्नपूर्णा चिट्ठी लिखा, उसका ये जो रघुनाथ को चिट्ठी लिखा, पुरी में जो भिक्षा कर रहा था, रघुनाथ को चिट्ठी लिखा कि तुम जल्दी आ जाओ, 10 दिन के अंदर आ जाओ, नहीं तो मेरा शादी करवा देगा ये लोग, दूसरे आदमी से शादी करवा देगा, तुम जल्दी आ जाओ, 10 दिन में, 10 दिन में ही शादी होने वाला है, अगर तुम 10 दिन में नहीं पहुंचेगा तब मैं तो मेरे को सुइसाइड करना पड़ जाएगा, तो मैं दूसरा शादी तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकती हूँ। अन्नपूर्णा देवी ऐसे चिट्ठी लिखा रघुनाथ को। तो फिर रघुनाथ के पास चिट्ठी पहुंचा, तो और एक जन जो बांग्लादेश से पुरी जा रहा था उसको देके भेजा था, और जाके जगन्नाथ मंदिर के सामने रघुनाथ बोल के भिखारी का पहचान किया और रघुनाथ को दिया, चिट्ठी दिया। तो रघुनाथ देखा कि 10 दिन में वापस आने के लिए बोल रहा है, 10 दिन में जाना है, तो लेकिन पुरी से बांग्लादेश जाने के लिए मिनिमम 1 महीना लगेगा पैदल, उस टाइम पे तो एरोप्लेन नहीं था और तो भिखारी था ऐसे, पैदल जाना पड़ेगा, मिनिमम 1 महीना लगेगा। और चिट्ठी में लिख दिया कि यार दूसरा शादी तो नहीं करेगा, नहीं आएगा रघुनाथ तो सुसाइड कर लेगी अन्नपूर्णा, सुसाइड करना पड़ जाएगा उसके लिए। तो रघुनाथ बहुत सोच में पड़ गए, 10 दिन में जाना है तो 1 महीना मिनिमम लगेगा, 1 महीना। तो बहुत सोचते सोचते भगवान जगन्नाथ को प्रेयर किया, भगवान जगन्नाथ आप ही इसका सॉल्यूशन दीजिए, आप तो पूरा जगत जगत का जो आप भगवान हैं, तो आप, ये तो आपके लिए बड़ा बात नहीं है, ये तो छोटा बात है आपके लिए, इतना कुछ आप करते हैं, इतना तो कोई बड़ा बात नहीं है आपके लिए। तो फिर जगन्नाथ जी का शरण में जब आया पूरा तरीके से ये रघुनाथ, तो उस रात को जब वो सो गया तो जगन्नाथ जी बेताल को बुलाया, बेताल, हम लोग कहानी सुनते हैं ना, विक्रम बेताल। हाँ, यस प्रभु। हाँ, विक्रम बेताल। तो बेताल को बुलाया, बेताल को बोला कि तुम इसको ट्रांसपोर्ट कर दो, आज रात को ही तुम ट्रांसपोर्ट कर दो इसको, रघुनाथ को, अब उसका उसका बांग्लादेश में उनका ससुर के घर के सामने उसको ट्रांसपोर्ट कर दो। उस रात को पूरा ट्रांसपोर्ट हो गया, रघुनाथ सुबह में उठ के देख रहा है कि उसका ससुर का घर के सामने उसका उसका बिस्तर पड़ा हुआ है, उसका ऊपर लेटा हुआ है वो। तो रघुनाथ समझ गया कि ये जगन्नाथ जी का ये लीला है, जगन्नाथ जी के लिए बड़ा बात नहीं है। तो उसका ससुर जब दरवाजा खोला कि देखा, अरे ये तो क्या है, रघुनाथ आ गया इधर। शादी दिलाना था बेटी को, उनका पैसा वाला आदमी से कांटेक्ट भी हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया, रघुनाथ इधर आ गया तो मुश्किल कर दिया एकदम। लेकिन दामाद है, क्या करेगा, खातिरदारी करना पड़ा, तो समाज का लोग बोलेगा, अरे समाज का लोग दूसरा गंदा बात बोलेगा। तो दामाद को घर में लाया, अच्छा से नहाया, ये किया, शेविंग किया, सब कुछ किया, बढ़िया से एकदम शैम्पू लगाया, बढ़िया से साबुन लगाया, दामाद को अच्छे से खिलाया। तो फिर अन्नपूर्णा भी उधर पे आ गई, मेरा बोला कि बहुत अच्छा हुआ आ गए आप, हाँ मेरा तो शादी होने वाला था उसके साथ। तो ये लोग देखा कि ये लोग देखा कि अभी तो पूरा सब कुछ फिक्स हो गया, अभी फिक्स हो गया, बड़ा मर्चेंट के साथ
बड़ा पैसे वाला आदमी के साथ शादी फिक्स हो गया। अभी ये अगर रघुनाथ फिर से इधर पे आके अब शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा उन लोग के लिए। तो ये रघुनाथ फिर से भिक्षा करने चला जाएगा, फिर भिखारी बन जाएगा, तो क्या फायदा। तो वो लोग प्लान किया कि रघुनाथ को मार देगा, जहर खाने में जहर मिला के मार देगा। तो रात में क्या किया, वो लोग खाने में जहर मिला दिया। और अन्नपूर्णा तो समझ गई खाने में जहर मिला रहे, दूसरा तरीके से सिग्नल दे दिया इसको, रघुनाथ को सिग्नल दे दिया कि खाना मत खाओ, जहर दिया हुआ है। तो रघुनाथ को पता था कि खाने में जहर दे दिया है। तो रघुनाथ तब सोचा कि अच्छा, अगर जगन्नाथ जी का यही इच्छा है तो हम खाना खा लेते हैं। जगन्नाथ जी के लिए तो बड़ा बात नहीं है किसी को बचाना किसी को मारना, जो जगन्नाथ जी चाहेगा वही होगा। तो अगर यही इच्छा है तो खा लिया, पूरा खाना खा लिया रघुनाथ। तो रघुनाथ तुरंत मर गया। तो उसका जो दूसरा ससुर लोग उसका लाश को एक रूम पे रख दिया, सुबह होने पर लाश को कोई उसको ठिकाने लगा देगा कहीं पर, ये कर देगा और लोगों को बोलेगा कि सांप काटने से मृत्यु हुआ है। लोगों को ये बोल देगा कि सांप काटने से, रात में सांप काट दिया था इसलिए मर गया। और फिर सुबह में कहीं पर कुछ कर देगा, लाश को जला देगा, फिर सत्कार कर देगा। तो एक रूम पे रख दिया लाश को। तो ये अन्नपूर्णा बहुत बहुत मतलब भगवान को प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना की कि जगन्नाथ जी आपका अगर ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ये भक्तों का सम्मान बचाइए। जगन्नाथ जी को पूरा रात अन्नपूर्णा जगन्नाथ का प्रेयर की। तो जगन्नाथ जी का कृपा से ये जो रघुनाथ है जो मर गया था वो फिर से जिंदा हो गया, फिर से जिंदा हो गया। तो फिर सुबह आके जब दूसरा ससुर लोग सोचा कि लाश फेंकेगा तो देखा कि जिंदा हो गया, तब देखा कि अरे बाप रे, ये तो मतलब जगन्नाथ का पूरा कृपा है इसका ऊपर, कुछ नहीं कर सकते इसका। तब बोला ससुर लोग बोला कि तुम लेके जाओ, तुम इसको अन्नपूर्णा को लेके जाओ, जहाँ पर भी जाओ लेके जाओ, अकेला भिखारी जैसे मत बन जाओ, अकेला जहाँ पर भी जाना है इसको लेके जाओ, बेटी को लेके जाओ, तुमको जो करना है करो, तो हम लोग को क्षमा कर दो, हम लोग तुमको जहर दिए थे। तो फिर बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है, जगन्नाथ जी का तो सब कुछ, जगन्नाथ जी कुछ भी कर सकते हैं, तो बड़ा बात नहीं है जगन्नाथ जी के लिए। तो फिर अन्नपूर्णा को लेके रघुनाथ जगन्नाथपुरी की तरफ चला गए, जाने लगे। तब जाने लगा तो अभी जिस आदमी से फिक्स किया था शादी अन्नपूर्णा का, वो जो बड़ा पैसा वाला आदमी, उसको खबर मिला शादी नहीं होने वाला है। तो फिर वो आदमी बोला, बहुत गुस्सा गया वो आदमी, बोला क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये लोग बोल दिया तुमको जो करना है करो, अभी शादी नहीं हो सकता है, वो लेके चला गया रघुनाथ, लेके चला गया, तो तुमको जो करना है कर लो। तो बहुत गुस्सा गया, देखते हैं तो अटैक करेंगे, रघुनाथ कहाँ जाएगा, वो पुरी में जा रहा है ना, उसको अटैक करके
अन्नपूर्णा को छीना के एकदम लाएगा, पूरा एकदम पूरा सैनिक लेके एकदम पूरा चला गया, 100 आदमी लेके अटैक करने चला गया इधर पे जहाँ पे रघुनाथ जा रहे थे जिस मार्ग में। तो उन लोगों को खबर मिल गया, रघुनाथ को कहाँ से खबर मिला कि उन लोगों के ऊपर अटैक होने वाला है। तो अन्नपूर्णा बहुत चिंता में पड़ गई। तो रघुनाथ बोला, अरे तुम चिंता क्यों कर रही है, भगवान है सबको बचाने वाला, भगवान सबको बचाने वाला है, तो तुम टेंशन क्या, इतना बार बचाया ऑलरेडी और एक बार बचाएगा, कुछ भगवान का जो इच्छा वो होगा। तो रघुनाथ ऐसे, फिर दो जन व्यक्ति आया घोड़े में सवार होके, घोड़े में सवार होके दो जन व्यक्ति आए, ये रघुनाथ और अन्नपूर्णा को, अन्नपूर्णा के पास आए। तो बोला कि तुम लोग का कोई चिंता नहीं है, तुम लोग के ऊपर जो अटैक होने वाला है हम लोग तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। तो रघुनाथ और अन्नपूर्णा बोले ठीक है, अच्छा बात है, देखो आगे भगवान जगन्नाथ भेज दिया दो जन को, वो लोग सोचा क्योंकि वो लोग को भगवान का माया से, हाँ वो लोग को समझ में नहीं आया कि भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी खुद आया है उन लोगों को बचाने। रघुनाथ सोचा कि भगवान जगन्नाथ दो जन को भेज दिया है, और असल में जगन्नाथ और बलदेव खुद घोड़े में सवार होके अपने भक्तों को बचाने आ गए। तो जब वो व्यक्ति अटैक करने लगा तब देख रहा है कि वो दो आदमी उनके घोड़े में बैठा हुआ है, और उनके उनके नजदीक बहुत सारा सैनिक, हजारों हजार सैनिक है। ऐसे भगवान जगन्नाथ ऐसे क्रिएट कर दिया था, सैनिक क्रिएट कर दिया था सेकेंड्स में, बिना कोई एफर्ट में भगवान जगन्नाथ जी हजारों सैनिक क्रिएट कर दिया। और आदमी देखा कि अच्छी इतना सैनिक आसपास, ये रघुनाथ को और अन्नपूर्णा को प्रोटेक्ट करके लेके जा रहा है, पूरा भाग गया वो, फिर से एकदम समझ गया कि संभव नहीं है, तुरंत भाग गया। तो बाद में समझ में आया इनको, रघुनाथ को और अन्नपूर्णा को समझ में आया बाद में कि जगन्नाथ और बलदेव खुद आया थे इनको प्रोटेक्ट किया। तो जैसे भगवान देखिए अपना भक्तों को डायरेक्ट खुद प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं। तो फिर पुरी में गया, पुरी में गया, पुरी में रहने लगा अन्नपूर्णा और रघुनाथ। तो वहां पर भी जाके ये जो रघुनाथ का जो वो उनका जो नेचर था दान करने का, वो तो बरकरार रहा। वो साधु संतों को जहां पर भी पुरी में, जहां पर मतलब कोई भी साधु उनका घर में आता था, बहुत अच्छे तरीके से उसको खिलाता था। ये रघुनाथ का घर पे अन्नपूर्णा और रघुनाथ मिलके साधु साधु लोगों का बहुत अच्छे से मतलब उनको हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छे से उनको उनका देख रेख तो उनका घर में उनका सेवा करता था। एक बार क्या हुआ, एक साथ 100 साधु आ गया उनके घर में, आ गया 100 साधु एक साथ आ गया, बहुत सारा साधु आ गया एक साथ। तब अभी घर में कुछ उस टाइम पे नहीं था, इतना 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 खाने के लिए चीज नहीं था कि 100 जन को इतना जन को एक साथ खिला पाए। तो अन्नपूर्णा तो बहुत चिंता में पड़ गया। रघुनाथ बोले, अरे चिंता क्या बात है, भगवान जगन्नाथ है ना, भगवान जगन्नाथ सबको खिला रहा है, हाँ एक चींटी से लेके एक हाथी सबको खिला रहा है भगवान जगन्नाथ, तो तुम चिंता क्यों कर रही है। तो फिर घर में तो पैसा भी उतना नहीं था कि खरीद ले, तुरंत उतना सामान खरीद लेगा, तो खाने का चीज खरीद लेगा। तो अन्नपूर्णा को बोला कि तुम, अन्नपूर्णा
एक चीज आइडिया दिया कि गहना बेच के ये साधु लोगों को भगवान का प्रसाद खिलाएगी। तो रघुनाथ बोला कि हम तो ये गहना लेके हम बाहर में नहीं जा सकते, हम अगर गहना लेके दुकान में जाएंगे तो हम क्योंकि उतना पैसे वाला नहीं है, भिखारी जैसा ही है, हमको अगर इतना गहने के साथ देखेगा तो सब सोचेगा कि चोरी किया है, तो एकदम कुछ तो देगा नहीं और ऊपर से पीटने लगेगा। तो तुम जाओ, तुम गहना लेके जाओ, दुकान में जाओ और सब खाने का सामान खरीद के लाओ, फिर साधु लोगों का जो अच्छा से सेवा कर। तो फिर अन्नपूर्णा गहना लेके गई और सभी सब्जी चावल दाल सब कुछ लाई घर पे और अच्छे से भगवान को भोग लगाया, प्रसाद सबको खिलाया, साधु लोगों को खिलाया। तो एक्चुअली क्या हुआ था इस टाइम पे कि जब अन्नपूर्णा गहना लेके जब दुकान पे गया था तो एक जो दुकान का जो मालिक है तो उनको जाके पहले अप्रोच किया कि बहुत सारा सामान चाहिए, बहुत सारा खाने का चीज़ें चाहिए, चावल दाल बहुत सब्जी बहुत कुछ चाहिए, बहुत क्वांटिटी में चाहिए। तो वो तो बड़ा पैसे वाला आदमी था, वो तो उनको जाके बोला कि गहना ले लीजिए और हम लोग को हमको सब कुछ दे दीजिए, अनाज चावल दाल सब कुछ सब्जी सब कुछ दे दीजिए, जो भी है आपका दुकान में स्टॉक में जो भी है सब कुछ दे दीजिए, ये गहना आप रखिए। तो ये जो आदमी था, ये जो मर्चेंट, ये जो जमींदार जो था, ये इनका जो कैरेक्टर था ये खराब था कैरेक्टर इनका। ही वॉज अ वुमन हंटर एक्चुअली, और प्रोस्टिट्यूट लोगों के साथ एंजॉय करने का उनका हैबिट था। तो ये अन्नपूर्णा को देखा, बोला कि गहना नहीं चाहिए, तुम एक रात के लिए मेरे को सेक्स दे दो, गहना वहना नहीं चाहिए, एक रात के लिए सेक्स कर लो और तुमको सब कुछ दे दे रहे हैं, कल रात को अभी तुम सब कुछ जितना सामान है लेके जाओ, जितना खाने का सामग्री है लेके जाओ और कल रात को तुम एक रात के लिए मेरे को सेक्स दे देना। तो ये प्रपोजल दिया, तो तुरंत अन्नपूर्णा घर पे आ गया, उनका हस्बैंड को बोला, रघुनाथ को बोला, अच्छा ऐसा डिमांड कर रहा है ये आदमी। तो रघुनाथ बोला कि कोई बात नहीं है, जो भगवान का जो भक्त है उनका सेवा करना टॉप प्रायोरिटी है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो, अगर तुमसे सेक्स भी मांग रहा है ये आदमी उसको हाँ कर दो, साधु का सेवा ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये उनका पति का बात मान लिया और जाके हाँ कर दिया, ठीक है, और सब सामान लेके आया, फिर खिलाया साधु लोगों को, साधु लोग प्रसाद खा के चला गया। तो अन्नपूर्णा फिर उस रात को बैठी है, उस रात को आदमी आएगा सेक्स करने रात में, तो रघुनाथ अन्नपूर्णा को बोला कि तुम कुछ चिंता मत करो, इस आदमी का अच्छे से सेवा करना,
अच्छा से सेवा करना है तुमको, ये आदमी के कारण ही तुम साधु लोगों को खिला पाए, साधु लोगों का कृपा मिला, सेंटली व्यक्ति का कृपा मिला। तो जो भी डिमांड करेगा ये आदमी, अच्छा से तुम उसका पूर्ति करना। तो अन्नपूर्णा देवी भगवान से प्रार्थना किया बहुत, जैसे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का लाज बचाया था वैसे उनका प्रोटेक्शन करे। तो उस रात को वो आदमी आया, अन्नपूर्णा एक घर में था, एक घर में थी, और रघुनाथ दूसरा घर में, दूसरा रूम पे। तो आदमी, वो आदमी घुसा घर पे, अन्नपूर्णा का रूम पे घुसा। रूम पे घुस के पूरा एकदम चौंक गया एकदम। वो आदमी देखा कि जगन्नाथ जी का गोद में अन्नपूर्णा बैठी हुई है। जगन्नाथ जी अन्नपूर्णा को अपना गोद में बैठा के बैठा हुआ है। तो पूरा एकदम शॉक्ड हो गया एकदम वो आदमी। और फिर अन्नपूर्णा का पैर पकड़ने लगा, इतना महान भक्त है, जगन्नाथ जी उनको गोद में ले लिया है। फिर बगल वाला रूम पे रघुनाथ था, वो सोचा कि अच्छा ठीक से अन्नपूर्णा शायद ठीक से सेवा नहीं कर रही है इस आदमी का। रूम पे आ गया, उस आदमी को बोला, अरे तुम पैर क्यों पकड़ रही हो, क्या हुआ, उनको ठीक से सेवा नहीं किया क्या? बोले नहीं नहीं हम देखा कि जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी था यहाँ पे और उनका उनको गोद में लिया हुआ था, जगन्नाथ का दर्शन हुआ और महान भक्त है अन्नपूर्णा जगन्नाथ जी का, तो हमको क्षमा कर दीजिए गलती हो गया। तो फिर वो आदमी बहुत बड़ा एक एक, एक घर गिफ्ट में दे दिया ये रघुनाथ और अन्नपूर्णा को, मंदिर के सामने, मंदिर के नज़दीक बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी ये दोनों को दे दिया कि यहाँ पे रहो और भगवान का सेवा करो। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ उनका भक्तों का प्रोटेक्शन करता है और उनका भक्तों के प्रति इतना करुणा रखता है भगवान जगन्नाथ। तो भगवान को डायरेक्टली कोई अप्रोच नहीं कर सकता, भक्तों का माध्यम से ही अप्रोच करना है, गुरु परंपरा का माध्यम से ही भगवान को अप्रोच किया जा सकता है। इसलिए गुरु परंपरा से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जैसे महान भक्त इस दुनिया में आए, तब जाके हम लोग भगवान के बारे में जान पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग का ये क्वालिफिकेशन नहीं था कि हम लोग भगवान के बारे में सुनेंगे। हम लोग सब अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन में, अपना इंद्रिय का सेटिस्फेक्शन में पूरा एकदम डूबे हुए थे, लेकिन प्रभुपाद जी का कृपा से हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिला भगवान का नाम लेने में, भगवान को याद करने में, भगवान के बारे में जानने में। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।